बस रात गुजारने के लिए ऐसी मतलब ऐसी जगह पे मिल जाए, ये भी बहुत है। इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं यहाँ पे तो आप अपने गैजेट्स वगैरह लिमिटेड ही यूज कर पाओगे। तो हम लोग भैया जो है ना यहाँ पर 94 से है ना भैया, 94 से आप होटल चला रहे हैं ये, और सामने इतनी प्यारी प्यारी वादियाँ, कुछ रूम हमारा इस तरह से है। वैसे यहाँ पर 5 लोग आराम से रह सकते हैं। पहाड़ों में तो हम पहाड़ियों को तो दाल भात तो पसंद आती है, खाते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। मेरा ना डर डर के दे रहा खाना मैं आप खाना डर डर के दे रहे हो हमें, डर डर के। हाँ डर रहे हो क्या? हैं ये बात डालने जा। हाँ डाल दो। पहले खाना वाना खाते हैं फिर आप लोगों से ये वाला व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। A few moments later. भैया जो है ना यहाँ पर 94 से है ना भैया, 94 से आप होटल चला रहे हैं ये? 94 से होटल चला अन्नपूर्णा के नाम से, और भैया ने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी हमको, मजा आ गया भैया। तो बाकी खाना वाना हमने खा लिया है, अब निकलते हैं, थोड़ा सा खाना इतना खा लिया पेट भर गया पूरा। लेट्स गो। सो गाइस बेसिकली मैंने आप लोगों को रूम का टूर भी दिया क्योंकि कल हम जिस रूम में रुके थे तो कल सारी चीज़ हॉच पॉच हो रही थी, मतलब जल्दीबाजी में हो रही थी, तो मैंने रूम का टूर देना भूल गया। तो अभी मैं आपको रूम का टूर देता हूँ, लेट्स गो। सो ये होटल का है अन्नपूर्णा नाम से, एंड दीज आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप लोग आए देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस एज वेल। सो कुछ रूम हमारा इस तरह से है। वैसे यहाँ पर 5 लोग आराम से रह सकते हैं, बट हम लोग 2 यूट्यूबर ने यहाँ खाना पा सारा सामान बिखेर रखा है यहाँ पे कुछ इस तरह से, एंड रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक रूम है। हाँ मतलब इस अकॉर्डिंग में। सो मतलब अगर आप लोग आ रहे हो तो ज़्यादा आप लोग एक्सपेक्ट मत करना कि यार रूम जो है काफ़ी फैंसी मिल जाए या फिर अच्छी फैसिलिटीज मिल जाए, वो नहीं होने वाला है यहाँ पे। बस रात गुजारने के लिए ऐसी मतलब ऐसी जगह पे मिल जाए, ये भी बहुत है। और लाइट का यहाँ पर ना मतलब टाइम टू टाइम आती है लाइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये वाला बल्ब है तो ये जल रहा है सोलर प्लांट से, और ये वाला है ये रात को चलेगा 8 बजे या 9 बजे, और ये जलता है इन्वर्टर से, तो क्योंकि हम लोग को गैजेट वगैरह चार्ज वगैरह करने थे तो इसलिए ये थोड़ा लेट चल रहा है। बोलते हैं दोबारा भैया को भी अगर हमें चार्ज वगैरह करने दो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होगी नहीं यहाँ पे तो आप अपने गैजेट्स वगैरह लिमिटेड ही यूज कर पाओगे। तो हम लोग हमारा बेस्ट पार्ट क्या था कि हम लोग जो थे पावर बैंक जो थे वो ज्यादा कैरी कर रहे थे, ऐसा हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर रहे। A few moments later. लंच वगैरह हो गया, काफी हैवी लंच किया हमने, एंड उसके बाद यू नो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टेम्पल। थोड़ा देखते हैं कि जब यहाँ रुके ही हैं आज, थोड़ा सा फील करते हैं वहाँ की वाइब्स को टेम्पल के आसपास की। और फिलहाल वेदर बहुत प्यारा हो गया क्योंकि धूप आ रखी है ना, तो हर जगह बहुत शाइनी शाइनी हो रखा है। जिस लेक की बात मैं कर रहा था, कंचानी और कंडानी से कुछ लेक बोलते हैं, वो यहाँ पड़ते हैं एग्जैक्ट। मैं ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ना आप, ये वाला पोर्शन तो यहाँ पड़ती है वो लेक, एंड इसका जो ट्रैक है ये मंदिर के पीछे से है, जस्ट ये वाला ट्रैक। यहाँ से आप लोग जाएंगे ऐसे करते हुए आगे, और इधर हम लोग जिस बूढ़ा मधुमेह से गए थे ना तो उसका ट्रैक जो था वो यहाँ से कहीं जाता है, ये देखो यहाँ से जो जा रहा है ऊपर ये वाला रास्ता, तो ये ऐसे करते हुए इस साइड जाएगा, इस साइड ऐसे करते हुए फिर यहाँ जाता है। बट सुबह सुबह क्या था, हम लोग जब उठे थे तो हम लोग यहाँ रहे थे, ये हमारा रूम था जहाँ हम रुक रहे थे, हम यहाँ से सीधा ऐसे करते करते सीधा सुबह निकल गए। अब जब गए थे तो एनर्जी जो थी वो ज्यादा लगी थी, बट जो टाइम था वो थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि शॉर्टकट ले लिया था हमने, बट हालत तो खराब हो गई थी यार, जैसा जो भी बोलो मजा भी आया था फिर इसमें। तो अभी हम लोग मंदिर के आसपास ही घूम रहे हैं, एंड यहाँ से जो व्यू दिख रहा है मंदिर का बहुत प्यारा दिख रहा है, एक बार मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ वहाँ से। सो ये देखो मंदिर बहुत प्यारा लग रहा है, और सामने इतनी प्यारी प्यारी वादियाँ जिसमें स्नोफॉल हो रखी है हल्की हल्की ऊपर पीक में, और वहाँ लोग भाई टाइम लैप्स ले रहे हैं, और ये है कुछ इस तरह से यहाँ का नज़ारा। आई होप गाइज आपको ये टाइम लैप्स अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा। सो फिलहाल तो भी यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो फील कर रहे हैं, वाइब्स ले रहे हैं यहाँ के। अप्रैल महीना में मैंने कालीशिला आए थे उत्तराखंड। कालीशिला एक सिद्ध पीठ है, तो उधर मैंने आके बहुत कुछ माँ हमको दिए हैं, तो दूसरे बार मैं आया हूँ इधर। और मैं बंगाल में तंत्र भैरव सिद्ध साधक बामाखापा बाबा का परंपरा का हूँ। अभी मैंने कालीशिला में
डेरा लगा के रखा हूँ, अप्रैल महीना तक रहूँगा, फिर हम केदार का कपट खुलेंगे, उधर जाएंगे, त्रिजुकी नारायण जाएंगे। तो ऐसे ही मेरा सफर और मेरा आश्रम बामतारा अखाड़ा झारखंड प्रखंड में जमशेदपुर से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, आसपास पूरा दलमा रेंज का पहाड़ है, उधर ही मैं साधना तंत्र साधना करती हूँ। एंड मंदिर के जस्ट आप यहाँ आएंगे जैसे, तो यहाँ पर एक आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा। सो ये जो मंदिर है ये है क्षेत्रपाल जी का मंदिर है। कहा यह जाता है कि जो इस मध महेश्वर की जो जमीन है, जो भूमि है, इसकी जो रक्षा करने वाले होते हैं तो वो क्षेत्रपाल जी होते हैं। क्षेत्रपाल का मतलब होता है क्षेत्र, पाल पाल मतलब पालक, आई मीन टू से कि उस क्षेत्र उस एरिया के रक्षा करने वाले क्षेत्रपालक बोला जाता है। तो इनको क्षेत्रपाल जी का मंदिर है यहाँ पे। इतनी ठंडी में टेंट में ही रहता हूँ। अच्छा, उधर जो माता जी है सरस्वती गिरी माता, उन्होंने हमको प्यार दी। अभी वो सरस्वती माता उनका जन्म भूमि स्विट्जरलैंड में गए है। माँ कालीशिला का बहुत कृपा है, एक अनजान साधक को माता जी ने 4 महीना ठहरने के लिए दे दिया, हमको दे दिया। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो और ये तंत्र साधना करते करते मैंने महावतार बाबा जी महाराज का जो क्रिया योग है उसमें भी मेरा गुरु है, और तंत्र योग विज्ञान साधना के द्वारा मैं अभी ये साधना चला रहा हूँ। आगे भोले बाबा और मेरा माता रानी का कृपा रही। बिल्कुल। तो ये आप जो यात्रा है केदारनाथ बद्रीनाथ और ये जो शिव पंच केदार है, ये आप करते हो ना हर साल? नहीं। अच्छा, मैं 12 साल साधना में हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरा 7 साल साधना बंगाल के बीरभूम जिला का तारापीठ महाशमशान में रहा, तंत्र साधना शमशान में होता है। तो ये 2021 का अप्रैल मास ये देवभूमि हमारे लिए द्वार खोल दी। अच्छा, और आगे मैं इधर ही रहूंगा। और मेरा 10-12 चेला है, तो वो चेला लोग में से 2 अभी आश्रमवासी होंगे। तो शिव जी ने और मेरा गुरु का कृपा है, तो आश्रम के देखभाल के लिए कोई किसी को दे दी, और मैं ये पहाड़ जंगल में पूरा ये प्रखंड को घूमूंगा। और आहिस्ता आहिस्ता मेरा आगे जो हलचल है, मैं हिमाचल प्रदेश में भी जाऊंगा। ये प्रकृति के अंदर भगवान को ढूंढना है, भगवान सब जगह में है। एक कदम फैलो तो भगवान, दाहिना पैर फैलो तो शिव, बाएं पैर फैलो तो माता रा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा नीचे जाने का, मतलब अनुभव ठीक रहा आपका? बहुत अच्छा, पैदल वाला जो है। और आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा कृपा है, मैंने ये मध्मदेश्वर बाबा का जो स्वयंभू लिंग उसको दर्शन की, और मेरा जो जप का माला है वो इधर का पंडित जी ने स्वयं हाथ में ली, और वो जप माला को ये पांडव द्वारा स्थापित किया गया, द्वितीय केदार दूसरा केदार, उस स्वयंभू लिंग में मेरा जप का माला उन्होंने स्पर्श किया। और ये आज जो मैं हूँ तो वो है मेरा गुरुदेव शुभेंदु विकास राय के द्वारा। अच्छा। मेरा सबसे बड़ा भगवान है गुरु, गुरु ही मेरा शिव, गुरु ही मेरा काली, गुरु ही मेरा सब। चलो अच्छा हो कि आपको ठंड ना लगे और आपकी रात जो अच्छी रहे। नहीं, शिव जी की कृपा से हमको शीत वस्त्र नहीं लगता। अच्छा, तो मैंने अभी बूढ़ा मदेश्वर उठा था, हाँ। तो एक थोड़ा सा पतला शाल लेके ऐसे चले गए। ये ऊपर वाले की कृपा है। टेंट में जो रहूंगा ठीक, सिर्फ एक हल्का सा कंबल है, ऐसे कोई स्लीपर वीपर भी मैंने नहीं। तो ये मेरा गुरु का आशीर्वाद है, हमको ठंडी में नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता। चलो, और तुम भक्त हो, तुम ब्रह्मानंद के लिए शिव जी को प्रार्थना करना। बिल्कुल, जो बिल्कुल। ऐसे जो बिना कपड़े में ठंडे को सहन कर ले, सहन करने का शक्ति हमको दे। बिल्कुल, मैं ऊपर से दुआ करूंगा कि आप पे भगवान की कृपा बना रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा बाबा जी से बात करके। एक्चुअली ये कल आए थे मंदिर में, तो मुझे लगा कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनका इंटरव्यू ले लिया मैंने।